सबसे पहले एक कार्डबोर्ड कागज लेंगे और फिर उसके ऊपर गोल बर्तन को रखकर निशान किया जाता है। उसके बाद उसे एक नुकीले कटर से काट देंगे, फिर व्हाइट सीमेंट का गोल बना दिया जाता है और फिर एक चांदे की मदद से गोल कागज के ऊपर पूरी तरह फैला दिया जाता है। उसके बाद एक बड़ी कटोरी को उसके ऊपर उल्टी रखा जाता है, फिर व्हाइट सीमेंट के लंबे लंबे लोहे बनाकर कुछ इस तरह लगा दिया जाता है और फिर कटोरी को हटा देंगे जिससे कि एक दीवार बन जाती है। फिर व्हाइट सीमेंट से पेड़ के लिए तना और डालियों और टहनियों के लिए पतले पतले लोहे बनाए जाते हैं और उनके बाद फिर उन्हें लगाकर बारी बारी से उनके ऊपर एक चाकू से खाल की डिजाइन बनाई जाती है। फिर उस पेड़ पर अलग ही प्रकार की डिजाइन लगाई जाती है जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद निचले हिस्से पर व्हाइट सीमेंट के गोल गोल पत्थर बनाकर लगा दिया जाता है। उसके बाद उसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद सभी हिस्सों पर बारी बारी से कलर किया जाता है। हम कलर करते हैं तब तक जो भी भगवान हनुमान को मानता है वो कमेंट में जय बजरंग बली लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो फिर कलर करने के बाद दीवार पर कांच के टुकड़ों को कुछ इस तरह लगा देंगे जिससे कि पेड़ के आंगन में चार चांद लग जाते हैं और फिर तैयार है आपके सामने कार्डबोर्ड से बना 3D पेड़ जिसे आप अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें।